हे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप देख रहे हैं हमारा भूगोल का तीसरा पार्ट, जिसके अंतर्गत आज आपको हम जनगणना के बारे में बताएंगे। और इस ये पार्ट छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप आसानी से ध्यान लगा के देखिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनगणना। जनगणना की शुरुआत जो है भारत की जनगणना, भारत में जनगणना की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने की थी। और किस सन ने की थी? 1872 में किया गया था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1872 में लॉर्ड मेयो ने किया था। और लॉर्ड मेयो कौन थे? वो ये थे, ठीक है। हम मैं आपको चित्रों के माध्यम से सब कुछ बता रहा हूँ, जिसके आपके से आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठी रहें आसानी से, ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी, मतलब जब भारत आज़ाद हो गया था तो 1951 में भारत की जनगणना हुई थी। उस टाइम पे जनगणना के आयोग कौन थे? आर ए गोपाला स्वामी थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जनगणना आयोग तो उस टाइम पे जो थे वो आर ए गोपाला स्वामी थे। वर्तमान में जनगणना आयोग कौन हैं? डॉक्टर सी चंद्रमौली हैं, जो ये हैं, ठीक है। और 2011 की जनगणना कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। और 7वीं जनगणना जो है वो स्वतंत्रता के पश्चात की है। और NPR किसे कहते हैं? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है 2011 में। इसके द्वारा नागरिकों के बायोमेट्रिक्स आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। एक बार रिवाइज करते हैं। पूछा जाता है कि भारत की जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो आप बता सकते हो 1872 में। किसने की? लॉर्ड मेयो ने की। वैसे ये नहीं पूछा जाता है स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, फिर भी आप ध्यान रखिए 1951 में हुई थी। जनगणना आयुक्त कौन थे? आर ए गोपाला स्वामी थे। वर्तमान में कौन है? डॉक्टर सी चंद्रमौली है। प्रेजेंट टाइम में कौन सी जनगणना चल रही है? 15वीं जनगणना चल रही है। और स्वतंत्रता पश्चात की 7वीं जनगणना चल रही है। NPR का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत बायोमेट्रिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या सभी को पता है यूपी है। और न्यूनतम जनसंख्या सभी को पता है सिक्किम है, ठीक है। मिट्टी मृदा विज्ञान जिसमें होता है जलोढ़ मिट्टी, पहली मिट्टी है जो सबसे मिट्टी कहलाती है, जो इस तरह की है। इसलिए काली मिट्टी कपास के लिए प्रयुक्त की जाती है, जो इस तरह दिखाई देती है, और यह कपास के लिए प्रयोग कपास की खेती के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद लाल मिट्टी, लाल रंग की होती है, जिसके अंतर्गत आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जो इस तरह की होती है। और लैटराइट मिट्टी जो लोहा ऑक्साइड चाय के लिए प्रयुक्त होती है, ये भी लाल रंग की होती है, लेकिन चाय के लिए प्रयुक्त की जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लैटराइट मिट्टी, ओके। परिवहन, परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन, तीन तरह के परिवहन आते हैं जिनके माध्यम से इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। सबसे पहले सड़क परिवहन की बात करते हैं। सड़क परिवहन के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं और राजमार्ग आते हैं। इसका क्या मतलब हुआ है? राष्ट्रीय राजमार्ग वह राजमार्ग होते हैं जिसके अंतर्गत आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, उसको हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। और राजमार्ग कौन से होते हैं? जिसके अंतर्गत एक ही राज्य में आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत सरकार द्वारा बनाई जाती है, जिस जिम्मा होता है, और राजमार्ग का राज्य सरकार का जिम्मा होता है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, जो चार महानगरों को जोड़ने वाली योजना होती है, वह राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ पाई जाती है? सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जो पाई जाती है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। और न्यूनतम लंबाई कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, इस वजह से, ठीक है। और सबसे ऊंचाई पे कौन सी सड़क है जहाँ पर है? वो है श्रीनगर पर है, ठीक है। रेल परिवहन की बात की जा रही है। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी, यह इम्पोर्टेंट है रेलवे में। और रेलवे मंडल
कितने हैं? 18 रेलवे मंडल है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रथम रेल भारत में कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे में चली थी, ठाणे तक चली थी 1853 में। और विश्व में 1825 में चली थी, लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चली थी। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में, रेलवे मंडल 18 मंडल है। प्रथम रेल भारत में मुंबई से ठाणे 1853 में, और विश्व में लिवरपूल से मैनचेस्टर 1825 में। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल विवेक एक्सप्रेस है, और सबसे तेज ट्रेन भारत में नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस है, और विश्व में ग्वांगझू हाई स्पीड ट्रेन बीजिंग की है, ठीक है। और लंबी ट्रेन विश्व में कौन सी है? संघाई ट्रेन है, चाइना में सबसे ज़्यादा लंबी ट्रेन तथा सबसे फास्ट ट्रेन है। मेट्रो विश्व में जो बनी थी वो कहाँ पे बनी थी? लंदन में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि मेघालय व सिक्किम में रेलवे लाइन है ही नहीं, एक भी पाई नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पे रेलवे लाइन बनाने के रास्ते ही नहीं हैं, पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से वहाँ पे रेलवे लाइन बन ही नहीं सकती है, ठीक है। वायु परिवहन, वायु परिवहन के अंतर्गत की शुरुआत जो है, वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा प्रदान की गई, ये ध्यान रखिएगा, 1911 में इलाहाबाद से नैनी तक। निगम जो बना वो 1953 में बना, कौन सा? एयर इंडिया का। और एयर इंडिया को इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया में कन्वर्ट कर लिया गया। पहले ये तीनों अलग अलग थे, बाद में एयर इंडिया के अंतर्गत ये दोनों को ला दिया गया, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को। इंडियन एयरलाइंस क्या करता है? ये देश के आंतरिक और सीमावर्ती देशों को सेवा प्रदान करता है, और यह विदेशों को सेवा प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एयर इंडिया विदेशों को सेवा प्रदान करता है, और यह आंतरिक या सीमावर्ती देशों को सेवा प्रदान करता है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में है। और चौधरी चरण सिंह कहाँ है? लखनऊ में है। और अन्ना कहाँ पे है? यह चेन्नई में है। तीन तरह के यहाँ हवाई अड्डा हमने बता दिए हैं आपको। मुंबई में छत्रपति शिवाजी है, चौधरी चरण लखनऊ में है, और अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में है, ओके। जल परिवहन के अंतर्गत क्या है? दो तरह के आंतरिक जलमार्ग आते हैं और समुद्री जलमार्ग आते हैं। नदियों, नहरों और झीलों के माध्यम से आंतरिक जलमार्ग होते हैं, और समुद्री जलमार्ग प्रायद्वीप तटीय भाग। ये प्रायद्वीप तटीय भाग कौन सा होता है? जो मतलब कि ऐसे राज्य जिनके बगल में समुद्र का तट है, वो सारे राज्य जो है प्रायद्वीप तटीय भाग कहलाते हैं, ठीक है। और इस वहाँ पर सब 12 बड़े बंदरगाह हैं और 185 छोटे बंदरगाह हैं, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है, ठीक है। और नियंत्रण कौन करता है? केंद्र सरकार रखता है। और प्रथम बंदरगाह दहेज गुजरात में है। और केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 में हुई, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। एक स्थापना और ये नतीजा थोड़ा गलत निकलाया है, उसके लिए सॉरी। और अभी एक बार और डिवीज़न, आंतरिक जलमार्ग नदियों नहरों के माध्यम से, समुद्रिक प्रायद्वीप तटीय भाग से। 12 बड़े बंदरगाह हैं और 185 छोटे बंदरगाह हैं। सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? मुंबई में। नियंत्रण केंद्र सरकार करता है। और प्रथम बंदरगाह दहेज गुजरात में है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, और लाइक और दूसरे से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगला जो आपको टॉपिक मिलेगा वो संविधान के ऊपर मिलेगा, जिसके 3 या 4 वीडियो होंगे, जिसके अंतर्गत पूरा संविधान कवर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।